नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट पर 4 हफ्तों तक हुक्मरानी करने वाला भारतीय कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो इस फहरिस्त से निकल गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर हफ्ते की शब 8 बजे कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो नई किस्त ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नशर की जाती है। हाल ही में इसकी 6ठी किस्त नशर की गई, तहम इस शो की रेटिंग 4थी किस्त नशर होने के बाद से ही नीचे आना शुरू हो गई थी और अब 4 हफ्तों तक ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में से जगह बनाने वाला ये शो अपनी 5वीं किस्त नशर होने के बाद इस फहरिस्त से बाहर हो गया है। ख्याल रहे 5वीं किस्त में मारूफ अदाकार आमिर खान ने बतौर मेहमान शिरकत की थी, जिसे शायकीन ने इस शो की सबसे बेहतरीन किस्त करार दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस शो की इब्तदाई साथ अपना जादू चलाने में नाकाम रही थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये शो ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट से आमिर खान के इंटरव्यू के बाद बाहर हुआ है। अब देखना यह है कि हाल ही में नशर होने वाले इसकी 6ठी किस्त इस शो को एक बार फिर ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में शामिल कर पाएगी या नहीं, जिसमें सनी देओल और बॉबी देओल ने बतौर मेहमान शिरकत की है। वाजे रहे द ग्रेट इंडियन कपिल शो की पहली किस्त में रणबीर कपूर, दूसरी किस्त में रोहित शर्मा और सूर्याश अय्यर, तीसरी किस्त में फिल्म अमर सिंह चमकीला की टीम और 4थी किस्त में विकी कौशल और सनी कौशल ने बतौर मेहमान शिरकत की थी। इब्तदाई 4 हफ्तों के दौरान इस शो ने 8 मिलियन व्यूज हासिल किए थे, जबकि दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई की थी।